नमस्कार, मैं नीरज मोहन निर्भीक और आप देख रहे हैं मेरा भी अपना चैनल देहाती इंसान। बीएसपी के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है, पर बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदा के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शांति को बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक यह कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी यह भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसके बाद बहुत दिनों तक यह बात चली कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक यह बात हुई कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब काफी हद तक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है तो सामने कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि कम से कम वेस्ट यूपी की इन 5 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वह बीजेपी के माथे पर चिंता बढ़ाने की तो निश्चित रूप से काफी है। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने टीवी के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया है, तो समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में करीब 37% वोटर मुस्लिम है। इस तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की होती है। उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ इसका उल्टा। दोनों ही पार्टियों ने यहां से हिंदू कैंडिडेट घोषित कर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा, तो देवव्रत त्यागी सवर्ण हिंदू है। जाहिर है कि अगर वो कैंडिडेट नहीं होते मेरठ की करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता, पर बीएसपी कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेता है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले मेरठ से सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं, यहां से कई मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी मात्र 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए थे। जाहिर है कि बीएसपी यहां से बीजेपी का काम बिगाड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा का चुनावी इतिहास दलित नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार यहां से सांसद रह चुके, पर राम मंदिर आंदोलन के बाद से यानी कि 1991 से अब तक भारतीय जनता पार्टी 4 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी 2 बार, रालोद 1 बार यह सीट जीत चुकी है। अभी वर्तमान में इस सीट पर बसपा का कब्जा है। मलूक नागर यहां से सांसद है। आपको बता दें वहीं बिजनौर सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को दिया है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर यहां से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर बसपा ने यहां से भी खेल कर दिया है तो पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। चूंकि एनडीए ने गुर्जर प्रत्याशी खड़ा किया है तो जाहिर है कि बसपा के जाट प्रत्याशी को स्थानीय जाटों का समर्थन मिल सकता है। यही सही है कि जाटों का वोट आरएलडी को जाता है, पर यूपी राजनीति की यह टेंडेंसी है कि अगर अपनी जाति का कोई कैंडिडेट किसी और पार्टी से हो तो जाति के लोग उधर ही जाते हैं। अब आपको बता दें कि बिजनौर में करीब 4.5 लाख से 5 लाख मुस्लिम वोटर है, करीब इसी के आसपास दलित वोटर भी हैं। 1.5 से 2.25 लाख के करीब जाट वोटर्स है। गुर्जर वोट सबसे कम, करीब 50,000 से 75,000 के बीच है। यही कारण है कि यहां मुस्लिम और दलित निर्णायक वोटर होते हैं। अगर बीएसपी ने किसी मुस्लिम दलित या पिछड़ी जाति को टिकट दिया होता
तो बीजेपी को फायदा हुआ होता, जैसा कि बीजेपी मानकर चल रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर जाट नेता चौधरी हरिंद्र सिंह से है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से यह सीट बीजेपी की हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने एक तरफा जीत हासिल की। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी प्रत्याशी कादिर राणा को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया था। यही हाल 2019 में रहा, जब यहां सपा बसपा और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार कद्दावर जाट नेता अजीत सिंह को भी यहां से चुनाव हारना पड़ा था। बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर यहां से जीत का परचम फहराया, पर यह जीत बहुत छोटी थी, क्योंकि मात्र 6526 वोटों से ही वो चुनाव जीत सके थे। पर इस बार उनके साथ आरएलडी भी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी एक बार फिर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से खड़ा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी के कादिर राणा यहां से 2009 में सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी वो दूसरे स्थान पर रहे। आंकड़े बताते हैं कि यहां से 7 बार मुस्लिम सांसद बन चुके हैं। इसके बावजूद न तो समाजवादी पार्टी न ही बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया। अब अगर हरेंद्र मल्लिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए जाहिर है कि मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी प्रजापति के साथ जा सकते हैं। 2019 के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से यहां जातिगत गणित अभी समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहा है। करीब 17 लाख मतदाताओं में लगभग 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट और 1,30,000 कश्यप, 1,20,000 सैनी, 1,15,000 वैश्य हैं। बागपत सीट भी मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली सीट है। यहां पर मुस्लिम आबादी जीत हार का फैसला करती रही है, पर यहां से किसी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। एनडीए की ओर से यह सीट आरएलडी को मिली है। आरएलडी ने यहां से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है। निश्चित है कि जाट वोट तो एनडीए को मिलेंगे, पर मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे। यहां से भी बीजेपी का यही गणित था कि अगर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी कर देती है तो एनडीए कैंडिडेट को बढ़त मिल जाती है। बल्कि बीएसपी ने एक और मुस्लिम खड़ी कर दी तो यहां से बनिया प्रत्याशी खड़ा करके जब मुकाबला कांटे का हो तो एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता। बीएसपी का बनिया प्रत्याशी निश्चित ही आरएलडी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, चूंकि बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। पर अगर अपनी जाति का कैंडिडेट है तो कुछ वोट तो उधर जाएंगे ही। अगर बसपा से यहां प्रवीण बंसल प्रत्याशी नहीं होते तो जाहिर है कि वैश्य समुदाय के सभी वोट बीजेपी के समर्थन के चलते आरएलडी को ही जाते, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार सपा ने मनोज चौधरी को चुनाव में मैदान में उतारा है। मुस्लिम वोट का महत्व यहां कितना है वह यहां से चुनाव नतीजों में दिखता है। आपको बता कि 2014 में सपा के गुलाम मोहम्मद नंबर 2 पर थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह 3 नंबर पर थे। 2004 में बसपा के अलौदा अली नंबर 2 पर रहे। बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता है, पर यहां से किसी भी दल ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। सीतापुर और खीरी को जोड़कर बना संसदीय क्षेत्र धौरहरा इस बार अपना चौथा सांसद चुनने जा रहा है। कांग्रेस ने यहां 2009 में सबसे पहले अपना खाता खोला था। तब यहां युवा नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने पहले चुनाव बसपा के राजेश वर्मा को 1,84,539 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया था, लेकिन फिर यह सीट बीजेपी की जीतती रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा अपना हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर रही हैं, पर उन्हें रिकॉर्ड बनाने से रोकने की तैयारी बीएसपी ने कर ली है।
समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार पूर्व एमएलसी व पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के करीबी आनंद सिंह भदौरिया उम्मीदवार हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर दिया है। बीएसपी ने भाजपा के ही एक बागी कैंडिडेट श्याम किशोर अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी इस बार भी यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करेगी, क्योंकि 2019 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा के निकटतम प्रतिद्वंदी अरशद इलियास सिद्दीकी थे, जो करीब 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के जितिन प्रसाद थे, जो अब बीजेपी की ओर से पीलीभीत में चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी का क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य वाला है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मिलता रहा है, लेकिन बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी का काम खराब कर सकता है। तो दोस्तों, ये रही अब तक की पूरी अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।